आपकी 2014 में शादी हुई और 15 में ही आप डॉक्टर को दिखाने चले गए, एएमएच का पता चल गया। शादी होते ही करा लिया था, शादी के पास से ही। भगवान, इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? चलो आगे बताओ, आगे बताओ, फिर क्या आई रिपोर्ट? उसके बाद हो गई, कोई दवाई नहीं खाई थी? नहीं, जब एएमएच कम बताया तो तुम्हें समझ ही नहीं होगी, 7 साल पहले तो इतना कॉमन ही नहीं था कि ये होता क्या है। मेरे को सभी डॉक्टर ने यही कहते थे कि नहीं हो पाएगा, इतना लो में नहीं होता, आपके तो एकदम ही नहीं है। और तुम्हारी 29 साल की एज में बोल दिया कि तुम्हारा हो नहीं पाएगा, एएमएच कम है। आज तुम्हारी 35 साल है, तो तब तो तुम्हारी उम्र 28 साल होगी। शादी 2014 में। हाँ, तो ये सारा बताया करो कि मेरा तो ये टेस्ट हमारे गलत आते हैं, लो एएमएच बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, 7 साल का है बच्चा तुम्हारा, ये सब बातें याद दिलाया करो। ऐसी तुम्हारा एफएसएच ज़्यादा आ गया, तुम खा रही हो आयुर्वेदिक दवाई, तुम खा रही हो और नहीं तो तब तो वैसे एएमएच करने का तरीका ही नहीं था, आज भी नहीं है इतना परफेक्ट तरीका कि आपको सही रिपोर्ट कोई निकाल के दे सके। अभी भी मेरे को जो 2018 में कंसीविंग हुई है और जो टेक्निकल प्रेगनेंसी थी उसमें भी सेम नहीं था। हाँ, तो एफएसएच ज़्यादा था तब भी हो रही है। अभी वो एफएसएच तुम्हारा अपना ज़्यादा नहीं है, जो तुम दवाइयाँ खा रही हो ना, 21 गोलियाँ खा रही हो, उनकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। बिना सोचे समझे जब ट्रीटमेंट होता है तो आप परेशान ना हुआ करो, सोचा करो कोई नहीं, घूमने गए थे वापस आ गए। अब ये डिफास्टन खाओ, ये सिर्फ एक ही दवाई है जो प्रेगनेंसी में, एक ही दवाई है डिफास्टन की, इसका नुकसान नहीं होता। प्रेगनेंसी हो तो आगे बढ़ती है, नहीं हो तो ये ऐसे, और इसको भी साइकिल से मिला के देती हूँ, ऐसे नहीं जब मर्जी खा लो, जैसे दिन ऊपर हो गए, 2 महीने हैं तो 2 महीने की साइकिल से मिला के दूंगी, ठीक है? हाँ, अब आपने जैसे आप 21 गोली खाते रहे, 21 गोली खाते रहे, फिर छोड़ दी, तो उसके बाद आने ही नहीं थे, बॉडी तो रुक गई ना कि एग नहीं बना रही। तो वही बात है, ये हस्बैंड की भी है विटामिन डी, यही तो बोलती हूँ, बच्चे को आपने कभी ट्यूशन लगाई, कभी हटा दिया, और फिर कह रहे हो हटा देती हूँ तब भी नहीं पढ़ता, और जब लगा देती हूँ तब भी नहीं पढ़ता ना। वो ट्यूशन अगर पहले अच्छे से 35 की एज तक अपना पूरा ट्राई करो, 2 साल शांति से ट्रीटमेंट, पहले डायग्नोज बनाओ मेरी ये कमी है, तुम्हारे अंदर तो कोई आई नहीं, लेकिन मैं सारे टेस्ट डॉक्टर लाल से अच्छी जगह से, कहाँ रहते, कहाँ? फरीदाबाद, डॉक्टर लाल पैथ से, और सुबह 7 बजे का देना है। एक एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, 7 बजे अलग रिपोर्ट आएगी, और हस्बैंड का कराना है, गलती की बात नहीं है, अगर होगा तो उनका अपना भी नुकसान उसी से। विटामिन डी की कमी से स्पर्म काम नहीं करते, पढ़ लो WHO की रिपोर्ट, विटामिन डी की कमी से AMH कम हो जाता है, ऑटोमेटिक बॉडी कहती है कि बच्चा नहीं करना, यहाँ पे तो धूप ही नहीं निकलती, इसको भी दोबारा कराना ना, ये आपको दोबारा कराना है। बाकी आपके बिल्कुल ठीक है, इनका नहीं मुझे गारंटी होती, इसको बार बार कराना होता है, तो अभी का बार बार कराना होता अभी है। भी अभी भी FSH नहीं कराऊंगी, जब रेगुलर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, शायद कैबगोलिन से आ जाएं, शायद मेरे से बात करने से आ जाएं, और शायद प्रेगनेंसी हो ही जाए तो ज़रूरत ही ना पड़े, FSH तब कराएंगे जब नॉर्मली अपने आप मेंसेस आए, उसके day 2 पे। अब तुमने कराया day 50 पे, आपको 20 दिन अभी तो ऊपर थे तब करा लिया, और इन चीजों की अभी नॉलेज नहीं है किसी को कि ये पढ़ सके रिपोर्ट। लिखना तो आसान है, लेकिन उसको पढ़ना इंटरप्रिटेट करना आसान नहीं है, बहुत वेरिएबल होता है बॉडी में। देखा है ना कि किसी की हाइट पहले क्लास में वो सबसे लंबा होता है, बाद में वो सबसे छोटा रह जाता है, तो बॉडी में हर चीज वेरिएबल है, हर चीज, जैसे शक्ल सबकी अलग है, वही आंख नाक कान है, लेकिन है तो अलग ना। ये हस्बैंड के जरूरी कराने, मेरे से बात कराओ, मना नहीं कर सकते वो कि मैंने नहीं कराना। अभी तो ऑफिस गए हैं। हाँ, कोई नहीं, बाय कर दो। आपका ने खुद आपने कहा ना, मैंने पूछा ना, बताओगी कि AMH कम में प्रेगनेंसी हो गई, 3 बार हो चुकी है,
दो, एक बार एक टॉपिक होगी और एक बार तो बेबी है ही आपका। हाँ तो वो विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, बॉडी छोड़ देती है, यहाँ नहीं हो सकता। और आयुर्वेदिक दवाई खा रही थी, हाँ तो कम आया ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। और आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हो, 21 गोलियां खा रहे हो एग ना बनने की, इसमें स्टीरॉयड खा रहे होगे। अब स्ट्रक्चर जो होता है स्टीरॉयड का और हार्मोन्स का मिलता जुलता होता है। 170 तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, कितना है इसका? 125 तो FSH होता ही नहीं है उसमें, देखो रेंज में उसमें लिखा ही नहीं है। मैम उसमें पोस्ट मेनोपॉज़ का कुछ है सिस्टम, हाँ तो लिखा हुआ है, तो उसमें 50 तक लिखा हुआ है।